हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपके लिए हेडबैंड लेके आई हूँ जो बहुत ही इजी बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा वॉर्म रहता है। हमारे विंटर्स के लिए बहुत अच्छा काम रहता है इसका। देखिए आप, इसमें मैंने कुछ ऐसा इसमें नॉट लगा रखी है जिससे कि ये कुछ स्टाइलिश लगेगा हम पे। इसमें मैंने ऊन यूज़ कर रखी है, वर्धमान की मिलीनियम है ये रस्टिक ऑरेंज वाली, और जो ये है रंगोली, माइक्रो की रंगोली। दोनों ऊन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा रंगोली वाले में शाइन है, तो आप सिर्फ मिलीनियम में भी बना सकते हो और अकेले सिर्फ रंगोली में भी बना सकते हो। लेकिन ये है, हमें इसमें ऊन रखनी है डबल ही। डबल ऊन रखने में ये मोटा अच्छा आता है और आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट आ रहा है, और ये बिनाई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम ईजी है, आपको ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा बनाने में, और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं अब हम इसे। चलिए हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे ये चाहिए 5 नंबर की सिलाइयाँ। ये मेरी प्लास्टिक की सिलाइयाँ हैं और ये जो पीछे से आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा मेरी सिलाइयाँ ख़राब हो गई थी, तो इसमें मैंने ये कुछ अपना देसी जुगाड़ भी ठाल रखा है। तो ये हमें चाहिए 5 नंबर की सिलाइयाँ, और एक हमें चाहिए ये निडल और कैंची, और 2 ऊन के गोले। ये दोनों ऊन है मेरे मिलीनियम की, वर्धमान की मिलीनियम, रस्टिक ऑरेंज एंड स्काई ब्लू। तो अब हमने इससे शुरू कैसे करना है, अभी हम इसको साइड पर रख देते हैं। हमने इसको शुरू कैसे करना है, हमने धागे को डबल रखा। धागे को डबल रखने के बाद हमने इसमें सबसे पहले फंदे डालने हैं। तो पहले फंदा हमें ऐसा डलेगा, फंदे हमने इसमें एकदम नॉर्मल इजी डालने हैं, जो हम नॉर्मल स्वेटर में डलेगा फंदा एकदम नॉर्मल डलेगा। फंदा हमारा पूरा एकदम नॉर्मल डलेगा, लूज हाथ से डालना है, बहुत ज्यादा टाइट हाथ नहीं रखना है, लूज हाथ डालना है। इसके लिए हमें चाहिए 14 फंदे, 14 फंदे हमने डालने हैं इसमें। तो जो हम, जैसे आप देखेंगे ना, इसमें हमें 2 धागे दिख रहे हैं, तो हम इसको सिंगल फंदा गिनेंगे, ये हमारे 2 फंदे नहीं होंगे, ये हमारा सिंगल फंदा जाएगा। हमने इसके लिए 14 फंदे डालने हैं, ये हमने करा। उसके बाद हम इसको अब शुरू करेंगे। पहली सिलाई इसमें जाएगी उल्टी अपनी तरफ, लूज हाथ रखेंगे एकदम, क्योंकि ये ऊन हमारी डबल है, मोटी ऊन है, तो लूज हाथ रखेंगे तो फिर हमारा अच्छा बन के आएगा सॉफ्ट, और अगर टाइट हाथ रख देंगे तो फिर वो पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो ऐसा इसमें खिंचाव भी नहीं आएगा। आराम से बिनना है एकदम ईजीली, हल्के हाथों से। तो ये हमारी एक सिलाई उल्टी हो गई अपनी तरफ। अगली सिलाई डलेगी हमारी इसमें एक सुलटा एक उल्टा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहला फंदा जाएगा सुलटा, दूसरा फंदा जाएगा उल्टा, फिर सुलटा, फिर उल्टा। ये हमने ऐसे ही करते ले जाना है एक सिलाई पूरा। ये हमने पूरा ऐसे ही बिन लिया। ये हमारा हो गया। अब हमने 2 सिलाई बिन दी है, एक उल्टी गई, अगली वाली सिलाई आ गई हमारी प्लेन। अब इसके बाद हमने यहाँ पर से अब अपना बिनाई थोड़ा हमारा चेंज हो जाएगा। हमने इसमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा हमने ये लिया, इसमें हमने क्या करना है, इसके नीचे से डलेगा। हम फंदा जो नॉर्मल इसमें डालते हैं, इसमें ना डाल के इसमें डालेंगे फंदा जो है, हम इसमें डालेंगे। ये हमने डाला, धागा खींच लिया, फंदा आगे, धागा आगे करके फंदा बिनेगा उल्टा नॉर्मल, फंदा पीछे, इसको हमने डालना है नीचे से। ये डाला सुलटा फंदे को, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे सुलटा आया, इसको डालेंगे अंदर से उल्टा, धागा नीचे से डलेगा उल्टा, फंदे के नीचे से डालेंगे। बस हमने यही करते ले जाना है, उल्टा फंदा हमने बिनना है प्लेन उल्टा जाएगा, और जो सुलटा फंदा आएगा वो हमने डालना है फंदे के नीचे से,
उल्टा फंदा उल्टा, ये हुआ। इसके बाद आएंगे अब हम अगली सिलाई में, अगली सिलाई में वही करेंगे, सुलटे फंदे को डालेंगे नीचे से। धागा हमें यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा खींचना पड़ेगा, उल्टा डालेगा, फिर उसके बाद फंदा, देखिए मैं आपको एक और बार बताती हूँ, ये जो ना डाल के इसके नीचे से डालेंगे फंदे के, ये डाला, उल्टा फंदा जाएगा उल्टा ही, और ये गया नीचे से उल्टा, धागा पीछे नीचे से, तो ये हमने ऐसे ही अभी इसको बिनते ले जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने इतना बना दिया है ना ये, और इसकी हमारी लेंथ होनी चाहिए 13 इंचेस, 12 टू 13 इंचेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके फंदे मार देंगे। तो फंदे मारने के लिए हमने क्या करना है, ये इसका मेरा राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड में आपने फंदे मारने के लिए क्या करना है, नॉर्मल हम इसको अपनी तरफ वाले फंदे बिन देंगे, ये भी ना इस फंदे, इस सिलाई से इसमें डाला फंदे को, फिर हमने दो का एक कर दिया, फिर इस वाले फंदे को इसमें दोबारा डाला, टू इन वन, दो का एक कर दिया, दो का हमने एक कर दिया, तो ये हमने ऐसे ही करके ख़त्म कर लेना है। अगर आपका इधर साइड से धागा नहीं बचा है तो आप इधर साइड बड़ा काट लो, मेरा उधर साइड से बचा है तो मैं इसको छोटा ही कर देती हूँ। ये हमारा हो गया फिनिश, और इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लेंगे, हमने क्या करना है, दोनों धागों को साथ डालिए आप अपनी निडल में। देखिए अगर आप ऐसा ऐसा नॉट नहीं चाहते, आपको अगर पसंद नहीं है, अगर आप सिंपल प्लेन चाहते हैं तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा देंगे, तो ये आपका सिंपल आ गया। अगर आप ऐसा नॉट चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया, जहाँ से फंदे डाले थे उस फंदे की साइड से हमने लेना है उल्टा पोर्शन, ये है फंदे की साइड वाला पोर्शन, उल्टा पोर्शन, और ये हमने लिया इसको हमने, आपने क्या करना है, ये मैंने धागा रखा है, इसका हाफ पोर्शन आपने लेना है ऐसे, और इस साइड का हाफ पोर्शन लेना है आपने, इसके साथ मिला देना है इसको, ठीक है, इसका हाफ, इसका हाफ, दोनों का आपने ऐसे मिला दिया, ये आपने पकड़ लिए। फिर आपने क्या करना है, इस साइड का पोर्शन अंदर कर देना है, ये करा, और इस साइड का पोर्शन आपने अंदर कर देना है। अब हम इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे, मैं आपको एक बारी और बताती हूँ। ये रखा हमने, आपने क्या करना है, इस साइड का पोर्शन हाफ और इस साइड का पोर्शन हाफ, दोनों को ऐसे मैच कर लोगे, फिर इस साइड का पोर्शन अंदर, देन दिस। अब हमने इसमें स्टिच कर लेना है, इसे स्टिच में हमने चारों पल्ले लेने हैं, इसके चारों पल्लों को हम एक साथ स्टिच करेंगे। जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप दबाते हुए चलो, जिससे कि ये खुलने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमने स्टिच कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने इसको अंदर नहीं लेना है, ऊपर ही ऊपर स्टिच करना है, और धागे को फिनिशिंग करने के लिए इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे। ये हमने कर लिया, और अब हम इसने इसको कट कर दिया। ये देखिए, ये आपका क्यूट सा लिटिल ईयर वार्मर हेडबैंड, ये आपका बनके रेडी हो गया, और कुछ ही समय में। और आप अगर कहेंगे कि इसमें ऊन कितनी लगती है, तो ये आपका
30-40 ग्राम में आराम से बन जाएगा। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब आप सोचेंगे कि आपको फिट नहीं आएगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होती है। ये देखिए, अगर आप बेबी का बनाना चाह रहे हो तो आपने उसको 10 इंचेस 9 इंचेस इतना ही लेंथ रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है ना। ये देखिए आप, ये और ये जो इसका ऐसा शेप अगर आप दोगे तो इसमें बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप देखो दोनों को। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।